हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू के चार न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा अभी ध्यान रखिए। एग्ज़ाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो ही चुका है, जो भी नोटिफिकेशन 15 डेज पहले आएगी मैं आपको बताऊंगा, और आप चैनल पर बने रहिएगा और वेबसाइट को भी देखते रहिएगा, ठीक है? तो अभी अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए और सेल्फ स्टडी करते रहिए। जब भी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा या जो भी होगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन पहले पता चल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस इग्नू स्टडी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ लेटेस्ट अपडेट दे दूँ, अभी कुछ डेट्स भी नज़दीक आने वाली है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, जिसमें है री रजिस्ट्रेशन की डेट को लेके है। तो री रजिस्ट्रेशन की डेट मे भी एक्सटेंड कर दीजिए। अभी तो कोई इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर एक्सटेंड हो भी जाती है 15 दिन और भी, तो कोई इशू नहीं होगा इग्नू को। इसके साथ साथ जो है फ्रेश एडमिशन चल रहा है जनवरी 2022 सेशन का, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है, बट इसको भी एक्सटेंड किया जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा जा रहा है पीएचडी के लिए जनवरी 22 सेशन के लिए, तो जिसका लास्ट डेट बढ़ा के 14 जनवरी किया गया, कि मे बी इसको भी बढ़ाया जा सके। और असाइनमेंट सबमिशन फील्ड वर्क जनरल जो है दिसंबर 21 सेशन के लिए एक्सटेंड किया गया था, जो है 15 जनवरी तक। अगर ये भी एक्सटेंड हो जाएगा तो कोई इशू है नहीं। डेट वैसे भी पोस्टपोन हो चुका है एग्जाम, तो अगर बढ़ा भी देंगे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। मे भी ना बढ़े तो आप अगर जमा नहीं कराएं तो अपना जो है बना के अब प्रोजेक्ट वगैरह इंटर्नशिप वगैरह ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से आपका हो आप उसमें जमा करा सकते हैं, ठीक है? अब चलिए बात करते हैं अब ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन फॉर 35th कन्वोकेशन के बारे में। थोड़ा सा इशूज आ रहा है फॉर्म भरने में। जब आप फॉर्म भरोगे, इसमें एनरोलमेंट नंबर आप डाल के जब सो है जो है वेरीफाई करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट का जो डाटा नॉट फाउंड दिखाता है, कन्वोकेशन जो है @ignu.ac.in पे ईमेल करने के लिए बोलता है। तो उसके लिए मैं बता दूँ, कुछ डाटा अभी अपलोड नहीं किया गया है इग्नू की तरफ से, तो 2 से 4 दिन आप वेट कर लो। अभी क्या है कि ये डाटा जब अपडेट हो जाएगा तो चलेगा। इग्नू में ऐसा होता ही है, कोई पोर्टल लॉन्च होता है उसमें एकदम परफेक्टली कभी भी लॉन्च नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ इशू रहता है। तो मैं पहले भी बोलता हूँ, आप 2-4 दिन रुक जाओ जो है, तो उसके बाद आप भरा करो। एग्जाम से डेट ओवर होगी नहीं, तो अभी जो भी परेशानी आ रही है बाद में सही हो जाएगी। आप थोड़ा रुक जाओ, 2 से 4 दिन वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है? इसके साथ साथ दो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि दो प्रोग्राम न्यू लॉन्च किए गए हैं, जिसका आगे मैं आपको डिटेल बताने वाला। पहला प्रोग्राम है आपका जो है मास्टर इन आर्ट में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, MACSR, ठीक है? तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनवरी 22 सेशन से इसमें अवेलेबिलिटी हो चुकी है। पोर्टल पे इसको अपडेट भी कर दिया गया, अभी मैं आगे दिखा दूंगा इसमें डिटेल बता के। तो ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, ODL मोड में है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएट हों, ठीक है? मीडियम मतलब किस मीडियम जो पढ़ाई होगी आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, दोनों मीडियम में अवेलेबल नहीं है अभी, हिंदी मीडियम में नहीं है तो इंग्लिश मीडियम में ही है। और मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 साल है, और सॉरी मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल, मैक्सिमम 4 साल इग्नू देती है। फीस स्ट्रक्चर ये है कि आपका 14,400 रुपये फीस है, 7,200 पर ईयर आपका पड़ेगा फीस आप जब एडमिशन लोगे। टोटल प्रोग्राम क्रेडिट 72 है, ठीक है? मटेरियल दोनों माध्यम में अवेलेबल है, प्रिंटेड और डिजिटल दोनों में। इनरोलमेंट अप्रॉक्स 500, ठीक है? तो ये एक्सपेक्टेड इनरोलमेंट अगर इसमें 500 तक हो सकते हैं, ठीक है? जो भी है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग सीट्स का कोई इशू नहीं रहता, एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, क्या क्या सेकंड ईयर में, यहाँ पे मेंशन किया गया है क्रेडिट्स के साथ में। 72 ग्रेड का प्रोग्राम है, तो ये पूरा प्रोग्राम की यहाँ पे लिस्ट दी गई है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के नाम और दिया और उनके कॉन्टैक्ट दिए गए हैं, आप डायरेक्टली फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रोग्राम जो है आपका है मास्टर ऑफ आर्ट अर्बन स्टडीज़। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रोग्राम के लिए पूछते रहते हैं अर्बन स्टडीज़ को लेके। ये प्रोग्राम फाइनली लॉन्च कर दिया गया इग्नू की तरफ से। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी ODL मोड में इसको लॉन्च कर दिया गया, पोर्टल पे भी अपडेट किया गया, आगे मैं दिखा दूंगा अब आप सभी लोगों को। ग्रेजुएट हो एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट हो चलेगा, ठीक है? मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है इसका इंग्लिश है, एक ही माध्यम में अवेलेबल है इंग्लिश माध्यम में, ठीक है? मिनिमम ड्यूरेशन 2 है 2 साल रहता है, मैक्सिमम 4 साल देती है इग्नू कंप्लीट करने के लिए। इसकी भी 14,400 रुपये है, ठीक है? पर ईयर आपको 7,200 रुपये पे करना पड़ेगा। टोटल क्रेडिट 64 है, बोथ माध्यम से अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल प्रिंटेड में और डिजिटल में भी। इसमें पर ईयर जो है जो एंट्री है अप्रॉक्स 600, तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस जनवरी सेशन से एडमिशन स्टार्ट है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना रहेगा इसमें आपका, यहाँ पे कंटेंट दिया है, कोर्स टाइटल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की डिटेल दी हुई है। आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके, ईमेल करके, फ़ोन करके आप इसे कांटेक्ट करके और भी डिटेल और भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? अब ये प्रोग्राम्स दोनों अवेलेबल हैं, एमए अर्बन अर्बन
देखिए MAUs, एम मास्टर मास्टर ऑफ आर्ट अर्बन स्टडीज, और दूसरा था जो पहला जो प्रोग्राम था ये था आपका MACSR। दोनों प्रोग्राम अवेलेबल हैं, MACSR, ये दोनों प्रोग्राम की लिस्ट कर दिया गया है जो है पोर्टल पे, एडमिशन पोर्टल पे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन ले सकते हैं, जिस भी इन दोनों प्रोग्राम अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो, बाकी और भी प्रोग्राम में चल रहा है, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट और है, जो फाइनल लास्ट अपडेट है ये, MA जो है साइकोलॉजी और BA साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल का पूरा शेड्यूल, पूरा गाइडलाइन यहाँ पे मेंशन कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट को शिकायत रहती है कि प्रैक्टिकल का पता ही नहीं चलता है। यही प्रैक्टिकल, यही गाइडलाइन सभी रीजनल सेंटर पे सभी स्टूडेंट्स के लिए यही गाइडलाइन होने वाला है। तो किन किन स्टूडेंट्स के लिए है, थर्ड ईयर बिफोर और इन जुलाई 2021, जुलाई 2021 में आपने अगर थर्ड ईयर में रजिस्ट्रेशन किया है, या उससे पहले BA के लिए या फिर MA के लिए, जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, अगर उससे पहले किया है MA में रजिस्ट्रेशन, MA का फाइनल ईयर का रजिस्ट्रेशन आपका जुलाई 2021 का होगा, या फिर बैचलर का, मास्टर का, सॉरी बैचलर का थर्ड ईयर का रजिस्ट्रेशन उससे जुलाई 2021 से पहले का होगा, या फिर जुलाई 2021 में करवाया है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडलाइन है। इनमें क्या कौन कौन से प्रैक्टिकल होने वाले हैं, जो है आपका एक प्रैक्टिकल रहता है जो है BA साइकोलॉजी का, बाकी दो रहता है, तीन रहता है MA साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। पूरा गाइडलाइन यहाँ पे मेंशन किया गया, इसको डिटेल में पढ़िए, समझिए, और अपना जो है इस प्रैक्टिकल को बिल्कुल मिस मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रैक्टिकल को मिस कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रैक्टिकल को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। तो पूरा गाइडलाइन पढ़ के फॉलो कीजिए और अपना प्रैक्टिकल जो है वाइवा वगैरह के लिए तैयार रहिए। तो ये सारी अपडेट्स थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल में पहली बार अगर आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को वॉच करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लो, नॉलेज लेते रहो, कहीं भी कोई भी चैनल हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप नॉलेज लो सभी चैनल से, वेरीफाई करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो दोस्तों आगे मिलते हैं कोई नई अपडेट में, नए जो है वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।